जोग जुगत से करना हो जोगी, जोग जुगत से करना ओ जोगी, जोग जुगत से करना ओ जोगी, जोग जुगत से करना। निर्भय चारों कूट विचरना, निर्भय छोटे भाई हैं। कुछ तो लोग सोचते हैं कि शायद ये पहले कहीं बचपन में बिछड़ तो नहीं गए थे, और ये योग करवाते भी बहुत अच्छा महाराज, आसन प्राणायाम ध्यान हठ योग राज योग पूरा अष्टांग योग, और हाँ, और इनको पतंजलि से हमने सर्टिफिकेट भी दे रखा है, और अभी थोड़े दिनों में हम इनको डॉक्टरेट भी देने वाले हैं, और इनके जो गुरुदेव हैं वो हमको बहुत प्यार करते हैं, हमारे बड़े भाई के समान। और इधर जोगी हैं हमारे दिनेश गिरिजी महाराज, ये हमारे पुराने आत्मीय हैं, मैं इनको छोटा भाई बोलूं क्योंकि ये इनका भी आज से नहीं पिछले करीब 15 वर्षों से बहुत गहरा प्रेम है। मैं इनके आश्रम में वहाँ और वहाँ सीकर में वहाँ पर खुद मैं वहाँ गया, और ये सतवा बाबा तो हम इसको अपना छोटा भाई बोलें, इसको शिष्य बोलें, इसको गुरु बोलें ये एक बार इन सब जोगियों का अभिनंदन हो जाए। और हमारे मुरलीधर, ये तो मुरली वाले हैं हमारे, मेरा बचपन का नाम तो रामकृष्ण था, तो कृष्ण जो है मुरली एक ही बात है, वो मुरलीधर हो कृष्ण हो, तो इनके साथ हमारा एक पता नहीं कैसे कोई भगवान का विधान कि इनके साथ हमारा बहुत डीप अफेयर हो गया, तो एक आध्यात्मिक प्रेम हो गया है। और आप सब इतनी प्यारी आत्माएं मेरे सामने बैठी हैं, आपके चेहरों पर प्रसन्नता देख के लगता है कि कुंभ का अमृत यही बरस रहा है। और संस्कार के माध्यम से ये कथा का प्रसारण पूरे विश्व में हो रहा है, तो उन सबको भी हम सब की ओर से बहुत बहुत बधाई अभिनंदन, और उन सबको भी आशीर्वाद। यहाँ कुंभ का अमृत, ज्ञानामृत का, वेदामृत का, उपदेशामृत का वो यहाँ से पान कर रहे हैं हमारे श्रद्धेय मुरलीधर जी महाराज जी के माध्यम से। अभी थोड़ी देर में ज्ञानानंद जी महाराज जी भी आने वाले, तो हमने कहा कि जोगी कैसा होना चाहिए, महाराज ने कहा कि गीत गाएंगे तो जोगी तो जोग के ही गीत गाएगा। जोग जुगत से करना ओ जोगी, जोग जुगत से करना ओ जोगी, जोग जुगत से करना। कार्य वचन निर्मल मन रहना, कार्य वचन मल मन रहना, संभल संभल पग धरना हो, संभल संभल पग धरना। मन सा वाचा कर्मणा पवित्रता के साथ एक एक कदम धर्म का आचरण करते हुए आगे बढ़ना। कार्य वचन निर्मल मन रहना, कार्य वचन निर्मल मन रहना, संभल संभल पग धरना हो, संभल संभल पग धरना। सब पर करुणा मुदिता मैत्री, सब पर करुणा मुदिता मैत्री, ऐसी साध सुमरना हो जोगी, जोग जुगत से करना हो जोगी, जोग जुगत से करना। और अहंकार की ताप कमी क्या, अहंकार की ताप कमी क्या, अब
अपने सन्मुख धरना हो, अपने सन्मुख धरना हो। समदृष्टि दीपक लेकर में, समदृष्टि दीपक लेकर में, जन मन ज्योति भरना हो, जोगी जोग जुगत से करना हो, जोगी जोग जुगत से करना हो, जोगी जोग जुगत से करना। और जीव जगत के पाप निगल कर, जीव जगत के पाप निगल कर, करवत छाया करना हो, करवत छाया धरना। जीव जगत के पाप मिटा कर, निगल कर, हटा कर, जैसे पेड़ सबको छाया देता है, फल देता है, आश्रय देता है, औषध देता है, ऐसे बिना किसी अपेक्षा के हमारे श्रद्धेय मुरलीधर जी महाराज जैसे विद्वान, हमारे पूज्य, देखो साधु श्रद्धेय होता है, पूज्य होता है, ये मेरे छोटे भ्राता है तो भी मेरे लिए श्रद्धेय है, पूज्य है। हमारे पूज्य आनंद गिरी जी महाराज जैसे अपने अमृत वर्षा कर रहे हैं, हमारे देश गिरी जी महाराज, सत्वा बाबा जी, ये सब साध पर हित के लिए, साधनोति परानि कार्याणि ससाधु। साधु वो है जो परोपकार करता है, सादगी है, सेवा है, स्वाभिमान है। मैं बात कर रहा था हमारे पूज्य गीता मनीषी घनानंद जी महाराज की, उनका भी पावन आगमन हुआ, एक बार उनका भी सबके ओर से बहुत बहुत अभिनंदन है, वंदन है, प्रणाम है महाराज। साधु क्या करता है? जीव जगत के पाप निगल कर, जीव जगत के पाप निगल कर, तरवत छाया करना हो, तरवत छाया करना। उमड़ उमड़ कर हृदय गगन में, धर्म मेघ बन झरना हो, जोगी जोग जुगत से करना हो, जोगी जोग जुगत से करना, जोगी जोग जुगत से करना। कैसा, जैसे माँ के स्तनों में दूध उतर आता है तो वो बच्चे को पिलाने के लिए तड़पने लगती है, ऐसे साधु सेवा के लिए, परोपकार के लिए, लोक कल्याण के लिए, विश्व मंगल के लिए तड़पता रहता है। माँ की जय। उमड़ उमड़ कर हृदय गगन में, धर्म मेघ बन झरना। और आत्मज्ञान तन तीरथ रंगित, आत्मज्ञान तन तीरथ रंगित, हृदय धार धार उतरना हो, अभिषिक्त आत्म हविले कर, हो अभिषिक्त आत्म हविले कर, जग जननी के शरणा हो, जोगी जोग जुगत से करना हो, जोगी जोग जुगत से करना हो, कृष्ण चंद्र की जय। हर हर महादेव। तो देखो भाई, ऐसा जोगी बनो, एक एक पग
पवित्रता से धर्म के पथ पर आगे बढ़ो। संश्रुते नमे मही मां श्रुते नीराधिस, एक पग भी शास्त्र के विरुद्ध, वेद के विरुद्ध, गुरु के विरुद्ध, सत्य धर्म न्याय के विरुद्ध नहीं धरना। पापों की तरफ पग मत धरना। भजन गाते हैं ना, महाराज ने भजन गाने के लिए बोला, अब हम अब व्यासपीठ पे बैठा दिया, अब तो कथा ही करनी पड़ेगी। दाता तेरे सुमिरन का, दाता तेरे सुमिरन का, वरदान जो मिले जाए मुरझाई कली दिल की, मुरझाई कली दिल की, सुनते हैं तेरी रहमत दिन रात बरसती है, एक बूंद जो मिल जाए, एक बूंद जो मिल जाए, तकदीर बदल जाए, एक बूंद जो जाए, तकदीर बदल जाए, दाता तेरे सुमिरन का। ये मन बड़ा चंचल है, चिंतन में नहीं लगता, ये मन बड़ा चंचल है, जितना इसे समझाओ उतना ही मचल जाए, जितना इसे समझाओ उतना ही मचल जाए, दाता तेरे सुमिरन का, दाता तेरे सुमिरन का। पापों से बचा लेना, पावन फिसल जाए, पापों से बचा लेना, पावन फिसल जाए, दाता तेरे सुमिरन का, वरदान जो मिल जाए दिल की, मुरझाए कली दिल की, एक आन में खिल जाए, दादा तेरे सुमिरन का, दादा तेरे सुमिरन का। तुम्हारे दो भजन तो हो गए, और क्या करना है अब। आज तो हम देखो यहाँ ना तो हम कोई विशेष प्रयोजन लेकर के आए, खाली आनंद करने के लिए आए, और आप सब भी यहाँ परमानंद कर रहे हो संगम के तट पर, अपने सौभाग्य को सराही।
भगवान का कितना बड़ा अनुग्रह है प्रभु, तुम बहुत अनुग्रह की प्रभु, तेरा कितना बड़ा अनुग्रह उपकार है, तेरी कितने बड़े आशीष है, तेरी कितनी बड़ी रहमत है, कृपा है कि तूने हमको मनुष्य का जन्म दिया। मनुष्य का जन्म होने का अर्थ ही है सब प्रकार के सौभाग्य का उदय होना। कुछ लोग अपनी किस्मत को कोसते रहते हैं, बाबा जी मारी तो किस्मत माड़ी है, बाबा जी हमारा तो प्रारब्ध दोष है, फिर हमारे कुछ रही सही कुछ और ज्योतिषी बंधु पूरी कर देते, बोले तेरे ऊपर शनि चढ़ा हुआ है, तेरे ऊपर केतु चढ़ा हुआ है, फिर राहु, किसी पर तो तीनों चढ़ा देते महाराज, आदमी छोटा सा, सदी केतु राहु साढ़े सदी, वो सोचता है सच में कुछ सब तो मेरे ऊपर नहीं चढ़ गए। याद रखना तुम्हारे ऊपर कोई नहीं चढ़ता, तुम ही धरती पर चढ़ते हो, तुम ही चांद पर चढ़ते हो, तुम्हारे ऊपर कोई नहीं चढ़ता। और हमारे मुरलीधर महाराज जी तो एक बहुत बड़ी अच्छी बात कहते महाराज, बोले भाई जिसके ऊपर भगवान और गुरु का अनुग्रह होता है उस पर कोई ग्रह चढ़ता ही नहीं। ये जोरदार काम है महाराज, कहां किस अज्ञान में जीते हो, गुरु और भगवान की शरण में रहो। और जो गुरु आज्ञा है, शास्त्र आज्ञा है, वेद आज्ञा, अभी मैं बोल रहा था संस्कृतेन मे मही मा श्रुतेन विराधसि, वेद के पथ पर चलो, ये धर्म का पथ है, ये सत्य का पथ है, ऋषियों का पथ है, ये भगवान का पथ है। और आप सब कितने सौभाग्यशाली हैं कि हमारे पूज्य आनंदगिरि महाराज जी आपको आनंद करवा रहे हैं, मुरलीधर महाराज जी आपको कथामृत का पान कराते हुए, आपका चरित्र पवित्र हो, आपका आचरण पवित्र हो। जीवन में सबसे बड़ी बात आचरण है। यूं तो मैं हमेशा पांच बातों पर सबसे अधिक बल देता हूं, आहार विचार वाणी व्यवहार स्वभाव की शुद्धि। क्या बोला आप बोलो, आप थोड़ी ये थोड़ी कि वन साइडेड चलेगा कि मैं कुछ बोलती यार आपसे पूछू ही ना। हाँ क्या बोला, आहार विचार वाणी व्यवहार स्वभाव की शुद्धि। बोलो आहार विचार वाणी व्यवहार स्वभाव। पांच शब्द भी याद नहीं हुए, हम तो इतने शास्त्र याद करके बैठे। आहार शुद्धौ सत्व शुद्धि सत्व शुद्धौ ध्रुवा स्मृति स्मृतिर्लब्धि सर्वग्रंथिनां विप्रमोक्षाः युक्ताहार विहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्तस्वप्नावबोधस्य योगो भवत् दुःखः। हमारे पूर्वजों का आहार देखो, भगवान राम जी ने, भगवान कृष्ण जी ने, गौतम कणाद जैमिनी पाणिनी पतंजलि, जितने भी हमारे ऋषि ऋषिकाएं वीर वीरांगनाएं पूर्वज हमारे महापुरुष हुए, सबका आहार शुद्ध था। ब्राह्मणों का आहार महाराज शुद्ध था, क्षत्रियों का आहार शुद्ध था। वाल्मीकि रामायण से लेकर के सब शास्त्रों के प्रमाण यहां प्रस्तुत में नहीं कर रहा हूं, वेदों से लेकर के हमारे सभी महापुरुषों का आहार शुद्ध था। आजकल महाराज अभी मैं कुछ महापुरुषों से मिलता हुआ सबसे एक ही बात कह रहा था, महाराज सब जगह ये शुद्धिकरण चलाना पड़ेगा। महाराज जी खुद आहार की शुचिता का पिछले 20 वर्षों से इतना ध्यान रखते हैं कि खुद हमारे स्वपाची हैं महाराज श्री। माने है ये बात छोटी लेकिन बहुत गहरी है, ये बात बहुत गहरी है। एक तरफ तो हमारे आइए आइए अभिनंदन है हमारे अग्निहोत्री जी, मीडिया के हमारे ये भी भीष्म पितामह हो गए अब तो धुरंधर है। जय हो प्रभु अग्निहोत्री जी, बैठिए बैठिए, बैठ जाओ बैठ जाओ। अभी कुछ ज्यादा ही स्मार्ट दिख रहे हैं मेले में आके। तो मैं कह रहा था आहार की शुद्धि, हमारे हम अपने जातीय स्वाभिमान या जातीय अभिमान को तो बहुत बढ़ा रहे हैं।
मैं ब्राह्मण हूं, लेकिन ब्राह्मण का आहार कैसा होना चाहिए? महाराज ये आप सब कथाकारों का उत्तरदायित्व है। अधिकांश हमारे कथाकार जो भी भगवान का विधान कहिए, ब्राह्मण वर्ग से आते हैं। सब अपने महापुरुषों को समझाओ कि भाई कोई भी एक भी ब्राह्मण जब मुद में गुटखा लिए और महाराज जय श्रीराम बोलता है, गुटखा लेके ही जो हरमोर को जो जो कुबेर इतना बहुत हमको खराब लगता है। राम जी का नाम ले रहा, हनुमान जी का नाम ले रहा, हनुमान जाएंगे गधा मारेंगे तेरे थोबड़े के ऊपर, तोड़ देंगे तेरे। बता, हम राम और कृष्ण के भक्त हो करके, ब्राह्मण कुलोत्पन्न हो करके गुटखा खाएं, बीड़ी पिए, शराब पिए, मांस खाने लगे। महाराज कुछ पहाड़ों पर और कुछ अलग अलग जगह, अब तो शहरों में भी ये वायरस घुस गया, ब्राह्मण वर्ग में भी मांसाहारी हो गए कुछ लोग, मद्यपान करने लगे, क्षत्रियों में बोले हम तो राजपूत हैं, राम मांस नहीं खाएंगे तो फिर शूरवीर कैसे होंगे? अरे मैंने कहा शूर मांस खाने से कोई शूरवीर नहीं होता, तो शूरवीर तो जिसने आत्मा की अमरता को समझ लिया वो शूरवीर होता है, जो मृत्यु का भय जिसका खत्म हो गया और मां का दूध पिएगा वो शूरवीर होगा। ये कहां सुअर खा करके शूरवीर बनोगे तुम? सुअर का मांस खा रहे और सुअर क्या खाता है सबको पता है, गू खा रहे। अरे हम बच्चे थे ना तो गांव में कोई गाली देता था ना, वो बहुत गंदा काम कर दे, ये इसने तो गू खाने का काम कर दिया। हम कहते थे गू भी कोई खाने की चीज होती है, तो हम देखिए तो अब तो गू खा रहे हैं लोग, सुअर खा रहे हैं, अंडा खा रहे हैं। अंडा कहां से निकलता? मुर्गी के पिछोंटे से ही तो निकलता, पीछे से कोई बढ़िया चीज निकलती है कि किसी के? बताओ, मांस खा रहे, अंडे खा रहे, सुअर खा रहे ना। क्षत्रिय भी आहार भ्रष्ट हो रहे हैं, ब्राह्मण भी आहार भ्रष्ट हो रहे हैं, वैश्यों में भी पहले नहीं था महाराज, जब तो उनकी भी शादी ब्याह में एक कॉकटेल पार्टी, क्या बोलते कॉकटेल, अब हमको तो पता ही नहीं था कॉकटेल पार्टी क्या होती है, तो महाराज बोले उधर दारू पीती है महाराज, ये हो चुका है सब। और अब तो पहले तो भाई भाई पीते थे, आजकल शहरों में लेडीज भी गिलास बिड़ाने लग गई, हाँ चीयर्स करने लग गई है भी ना भाई। और जो कहते हम तो शिव की जटाओं से पैदा हुए, वो जाट जो भगवान कृष्ण के वंशज अपने आपको कहते हैं, वो यदुवंशी, वो भी दारू पीने लगे महाराज। ये तो भगवान कृष्ण के वंश पर कलंक है, भगवान शिव पर कलंक है, हमने क्या कर दिया? मैं तो अभी महाराज जी के पास गया था, सुनो महाराज, हाँ गुरु जी के पास, नरेंद्र गिरी जी के पास, तो मैंने बोला महाराज जी ये बाबाओं का यदि ये चिलम छूट जाए तो ये कुंभ बहुत बढ़िया हो जाए। तो मेरे से कुछ बोले महाराज ये चिमटा लेके थारे पीछे दौड़ेंगे। महाराज देखो अच्छी चीज तो नहीं। अच्छा बताओ, तुम छोटे बच्चे से बड़े से किसी से भी पूछ लो, जिसने सब कुछ छोड़ दिया वो चिलम नहीं छूट रही, अच्छा नहीं लगता? हमारे बच्चे पूछते हैं साधु होने का मतलब चिलम पीना है क्या? महाराज 25 साल पहले मैं दिल्ली की डीटीटीसी की गाड़ी में बैठा था, उस समय हमारे पास कोई साधन तो था नहीं, तो डीटीसी की बस में बैठ के जा रहा था, तो एक बगल वाले ने बोला महाराज कुछ है क्या? मैंने कहा क्या? बोले चिलम। सच्ची बोल रहा हूं मैं, तब से मेरे को इतना ज्यादा लगा। फिर मैंने कहा नहीं ये, हम ये तो पीते नहीं, तो बोले सुल्फा तो होगा। माने साधु का मतलब चिलम और सुल्फा, ये कहां से आ गया भाई? साधु का मतलब होता है जिसका 100% निष्कलंक जीवन, पवित्र जीवन होता है, जिसका अनुकरण करे समाज, देखे जीवन हो तो कैसा हो, बोले देखो कितना विरक्त सन्यासी है, जीवन में कोई दोष नहीं, ऐसा पूर्ण निर्दोष। तो महाराज चारों तरफ ये शुद्धिकरण चलाना पड़ेगा, बहुत पतन हो गया है, मन दुहर गया है विकट संकटों से। ओहो अभी तो
हमको अपने आहार को बहुत पवित्र करने की आवश्यकता। छोटे बच्चों को सिखाइए, मैं तुम्हारा छोटे छोटे बच्चों से लेकर के बड़ों तक लाखों करोड़ों लोगों से मिला हूं और सबको एक ही बात कहता हूं, भाई अपना आहार शुद्ध करो। एक कण भी आहार का गलत तन में नहीं जाना चाहिए और एक क्षण भी गलत विचार मन में नहीं आना चाहिए। जो मन में गलत विचार आएगा वो गलत संस्कार बना देगा, जो गलत आहार अंदर में जाएगा तो वह हमारा स्ट्रक्चर खराब कर देगा। गलत आहार हमारा स्ट्रक्चर खराब करता है, गलत विचार हमारा करैक्टर खराब करता है, इसलिए दोनों से बच के रहना। आहार की विचार की शुद्धि और वाणी, वाणी के तो ऐसे तीर चलते हैं घर भी नरक से बन गए हैं। घरेलू हिंसा, आपस में इतना झगड़ा, सासू देवरानी जेठानी, और इसी के ऊपर टीवी सीरियल बन जाते हैं, इसी पर फिल्में बन रही हैं, इसी पर सब घर घर की कहानियां हो रही हैं। क्या हो गया, हम इतना ज्यादा कड़वा क्यों बोलते हैं? खाते तो मीठा मीठा है, लड्डू रसगुल्ला गुलाब जामुन रसमलाई जम इमरती जलेबी, और बोलते ऐसे हैं जैसे सुबह से शाम तक नीम ही खा के करेला ही खा के बैठे हो। ना ना, मीठा बोलो ना, अच्छी बहुत बड़ी बात भी कहनी है तो मीठे से बोल दो। जैसे हमने कहा कि भाई साधु सत्यम ब्रियात प्रेम ब्रियात न प्रियात सत्यम अप्रियम, हाँ हम जैसे हमने साधु को भी बोला कि चलम छोड़ दो, तो हम यही कहते महाराज सारी दुनिया छोड़ दी तो चलम के क्यों लिपटे पड़े हो, ऐसे बोलो ना प्यार से। अभी हम जाएंगे इधर चिलम पीने वालों के पास भी जाएंगे रास्ते में, और उनसे बोलेंगे अब देखते हैं वहां चिमटा चलता है कि चिलम छूटती है। प्यार से बोलेंगे, ये जरूरी है। वाणी और व्यवहार, देखो वाणी में ना मीठा बोलो, प्यारा बोलो, आदर से बोलो, तहजीब से बोलो। आजकल तो महाराज वाणी इतनी खराब हो गई, राजनीति से लेकर के धर्म से लेकर के कुछ धर्म क्षेत्र में, कुछ राजनीति के क्षेत्र में इतने ओछे बोलने लग गए। बोले भाई आदमी को ना ओछी बात नहीं करनी चाहिए, ना ओछी बात नहीं करनी चाहिए, गलत बात है। ऐसे संस्कार अपने बच्चों को दो, खुद भी ऐसा करो। देखो वाणी और व्यवहार ये जिसका ठीक हो गया ना वो संसार में सुखी रहता है, खुद भी सुखी रहता है औरों को भी सुख देता है। ये दो चीज बहुत बड़ी है। सारे 99% सुख का कारण वाणी व्यवहार है महाराज। पैसे कम ज्यादा होते चलता है, जीवन में सुख दुख आते रहते चलता है, अनुकूलता है प्रतिकूलता है, जय पराजय मान अपमान सफलता विफलता ये तो पथ के विधान है, जीवन में आएंगे, लेकिन हमारी वाणी और हमारा व्यवहार खराब नहीं होना चाहिए। और आहार विचार वाणी व्यवहार का नाम, ये चारों चीजों के जैसे अभ्यास होते हैं वही हमारा स्वभाव है। क्या है यही हमारा? कई कहते हैं बोले भाई आदमी तो बहुत अच्छा है, औरत तो बहुत अच्छी है, लेकिन इसकी बाण कुबाण पड़ गई है, आदत ठीक नहीं है, इसके अभ्यास ठीक नहीं है, बाण कुबाण पड़ गई। ये तो राजस्थान में हरियाणा में बोले, उधर असम में बंगाल में बोलते हैं इसको ओ अभ्यास, अभ्यास गलत हो रखा है। हमारे संस्कृत में भी अभ्यास बोलते हैं, अभ्यास योग को भी, योग का अभ्यास होगा तो सब भोग की बुराइयों के अभ्यास होते हैं। आहार विचार वाणी व्यवहार स्वभाव ये ठीक है, इसी का नाम है आचरण। आचरण ठीक है तो जीवन ठीक, आचारहीनम न पुनंति वेदा। तो हमारा तो महाराज ऐसे ही थोड़ा सा प्रसाद हमने भी बांट दिया आपके छाया में, तो बहुत बहुत आपको प्रणाम। और गीता मनीषी जी भी आशीर्वाद के दो शब्द कह दो महाराज। हाँ नहीं मैंने कह दिया, फिर भी थोड़ी सी आहुति आप भी डाल दो। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय।